जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि इंडक्शन जो होता है खाना बनाने वाला, यदि उसका ग्लास कुछ इस प्रकार से टूट गया है तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे कि मतलब चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके इंडक्शन का ग्लास इस तरह से खराब हो जाए तो आप जो है कि उसको फेंक देंगे, वो बनेगा नहीं, बन जाता है। मुश्किल से आपका 1000 रुपये के अंदर मान के चलिए आपका खर्च लगभग आएगा। तो इस तरह से ये बनता है ये इंडक्शन के लिए, और इस तरह से आपको नया पूरा उसका कांच आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने उसके लिए नया कांच लाया, और इस कांच को ही हमें क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या है। आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा कांच इसका टूट चुका है। टूटने के बाद इसको हम हटाते हैं तो ये साइड साइड से पूरा। अब इसके लिए ये जो साइड में लगा हुआ है ना कांच का, इसको हमें निकालना पड़ेगा। जो इसकी बॉडी है आप ये भी देख सकते हैं कि कई जगहों से टूट गई है, या तो आपको मार्केट में बॉडी आसानी से मिल जाती है तो बॉडी आप नई ले लीजिए, अन्यथा इसी बॉडी को आपको फिटकिट की मदद से क्या करना पड़ेगा, चिपका के लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं मिलती है मार्केट में तो काम इससे चल सकता है, कोई दिक्कत इसको नहीं होगी। तो इस तरह से इसको आपको छुड़ाना पड़ेगा। ये कांच आप देख सकते हैं ना, ये देखिए कांच है, कांच के किनारे किनारे बिल्कुल ये बॉडी चिपकाई रहती है। तो आपको इसको किसी बारीक चीज से छुड़ाना पड़ेगा, जैसे कि चाकू ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए उसके माध्यम से। अभी इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे क्या है। बाकी इंडक्शन में और देख लिया जाए तो ये रहा इसका पूरा का पूरा पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे एक किट लगी होती है, ठीक है, जो पीसीबी यही में हमारी बटने होती है, और पूरी की पूरी बटने काम करने के लिए ये एक सर्किट लगी हुई है। और इसके बाद से बाकी एक छोटी पीसीबी और आपको मिल जाएगी, यहाँ पे लगी हुई है, पूरा सिस्टम इसका है। और ये आपकी हीटिंग कॉयल है, ठीक है, ये रहा हमारा फैन, यह फैन इसको ठंडा करने के लिए लगता है। और इस तरह से पूरा सिस्टम है। अभी तो हम बात करेंगे केवल कांच की, बाकी इसके पूरे सिस्टम के लिए अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई। तो सबसे पहले इसको निकालने का प्रयास हम करते हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं, देख ले सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से हमने कैंची लिया। आप चाकू भी ले सकते हैं, पतला वाला आता है, क्योंकि हम तो रोज कांच लगाने का काम डेली नहीं करते, बट आपको बता दें कि कांच कैसे लगाया जाता है, इसलिए इसकी वीडियो बना दिए, काफी लोगों का कमेंट था। और आप देख सकते हैं इस तरह से बारीकी से हमने इसको लगाया और ऐसे करके निकाल लेते हैं। बिल्कुल ये गम की तरह से लगा होता है, चिपकाया जाता है, कांच इसके ऊपर चिपका होता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से कोई भी धारदार चीज रहेगी ना तो इस तरह से आप एकदम निकाल लेंगे और ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद इसको साफ कर लेंगे, जो हमारा आप देख सकते हैं कि ये टूट गया है, तो इसको टूट गया है तो इसको आपको सही से लगाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से करके, या फिपकिप वगैरह की मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बॉडी का नया नहीं मिल रहा था। अगर नया नहीं मिलता है तो हमें जुगाड़ लगा के ही अपना काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम निकाल के पहले रख लेते हैं, बाकी अभी चिपका के दिखा देंगे। अब देखिए ये कांच का बिल्कुल निकल गया, इससे कोई संपर्क नहीं, अब ये खराब हो चुका। अब इसको क्या करना है, हम फेंक दिया जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आगे का भी इसका जो बचा है इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप कैंची की मदद से या चाकू की मदद से किसी भी चीज से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो अभी निकालने के बाद आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ग्लास को निकाल दिया, ये पीसीबी का सर्किट था, थोड़ा गंदा हो चुका है, अभी इसको साफ किया जाएगा। और इस तरह से निकाल दिया ना, ये काफी जगहों से टूटा था, इसके वजह से ये टूटा है, ऐसा नहीं कि ये टूटता नहीं है, ये जिनका भी मतलब था गिर गया था, तो ये काफी जगहों से टूट गया था। तो अब ये जुगाड़ पे ही मान के चलिए सारा काम, इस तरह से लगा के और इसको फिपकिप लगा के चिपकाया जाएगा ताकि ये आसानी से पकड़ ले, और फिर उसके बाद से ग्लास को इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। ग्लास को चिपकाना ही होता है, बस ये चिपकाया जाता है। तो हमने निकाल के ये सारा एक साइड कर लिया, और अब इसके बाद से हमारा जो ये वाला है इसको भी लगा के हम चिपका लेंगे कि कौन सा हिस्सा कहाँ लगेगा, ये पूरा पोर्शन ऐसे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या ये काम कर रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये इसकी जगह पे होगा ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल लगा हुआ है। अब इसके ऊपर ही हमें इसको लगा के चिपकाना है। अब इसको इस तरह से चिपका के तब आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या इसका सिस्टम है। बिल्कुल हमने इसको क्या कर लिया है, जोड़ लिया है, जोड़ के काम चलाएंगे, क्योंकि ये बॉडी अलग से मिलती नहीं है जल्दी। अगर आपके पास दूसरी मतलब कोई खराब है मिस्त्री के पास, अगर आप देखते हैं कि ये वाला ऊपर वाला बॉडी नया मिल जाए तब तो ठीक, ठीक नहीं मिलता है तो आपको जोड़ के काम जुगाड़ से चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है, अब इसके ऊपर हमने इसको लगाएंगे।
ठीक है। जोड़ने के बाद अब इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं आसानी से थोड़ा, अभी क्योंकि भाई बढ़िया से नहीं जुड़ा है तो, क्योंकि यहाँ पे भी बैठना चाहिए, इसके वजह से इसको एक बार क्या करना है हमें चेक करना है। तो जो ज़्यादा टूटा था उसको हमने जोड़ लिया और इस तरह से लगाते हैं इसको। देखिए ये खुला है जो, इसको हमने छोड़ा था कि अभी इस पर लगाने के बाद से जोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार से ये इस तरह से लग गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर बस आपको क्या कर देना है, ये ग्लास है, ग्लास को चिपकाना है, चाहे जैसे भी आप चिपका दीजिए, जिस चीज से चिपका दीजिए, ठीक है। तो एरो लाइट वगैरह के माध्यम से भी चिपकाएंगे तभी चिपक जाएगा, और इसके लिए एक बांड आता है, उस बांड के मदद से भी चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। कुछ इस प्रकार से ही इसको रख के चिपकाना है। तो अभी इसके बाद से हम इसको रखते हैं, पहले इसको लगा लें बढ़िया से, तब इसके बाद चिपकाया जाएगा। ये हमारा चिपक गया है। अब इसको ग्लास को चिपकाने के लिए देखिए हमने एरो लाइट लिया है, इन दोनों को आधा आधा इसमें मिक्स किया है। अब मिक्स करने के बाद इसको दोनों को क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे, यानी फेंट लेंगे पूरा पूरा। अब इस एरो लाइट के मदद से ही हम इसको क्या करते हैं, चिपकाते हैं। तो अभी देखिए आप कि हमने इसको क्या किया, मिक्स किया, एक दूसरे में मिक्स किया। आप और भी आता है एकदम, चाहे जिससे भी चिपका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इस पर लगाया जाएगा ताकि ये अच्छे से पकड़ लेगा। जितना बढ़िया से इसको एक दूसरे में मिक्स किए रहेंगे उतनी ही बढ़िया से वो क्या करेगा, आपका चिपकता है। तो अभी देखिए हमने इसको मिक्स किया, अब मिक्स करने के बाद इसको हम चिपकाएंगे। जितना बढ़िया से आप इसको फेंट लेंगे, दोनों एक दूसरे में मिक्स रहेगा, उतना ही बढ़िया से क्या करेगा वो चिपकेगा, ताकि इसके अंदर लस्सी आ जाती है बुरा, और ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, टाइम देने के बाद तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। एरो लाइट बहुत तेज, अगर एक बार पकड़ लिया तो दोस्तों फिर छोड़ता नहीं है ये, बस पकड़ना चाहिए एक बार। तो इसके लिए हम इसके ऊपर लगा लेंगे, और इन्हीं में जहां हमें चिपकाना है ग्लास को, इसको लगाने में कंजूसी ना करिएगा, ज्यादा मात्रा में लगा के रखिएगा। अभी हम जगह जगह इसलिए लगा रहे हैं कि बस ग्लास को रखना है, और उसके बाद से अभी पूरा लगाते हैं। ऐसे इसको लगा लिया जाएगा, कम पड़ा तो अभी हम फिर निकाल के फिर इसको मिक्स किया जाएगा। ये सूखता है ना, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके सारा पूरा पूरा बढ़िया से एरो लाइट अपना लगा दिया है, ताकि इसको चिपकाने के लिए कोई दिक्कत नहीं चारों तरफ से। और हमारा जो शीशा है ना, शीशे के ऊपर देखिए प्लास्टिक लगी थी, इस प्लास्टिक से इस शीशे को हम निकालते हैं, और इससे निकालने के बाद अब सीधे सीधे शीशे को हमें इस पर रख के क्या करना पड़ेगा, फिट करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये पकड़ा, और यह शीशे को इस पर अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते पूरा कि सही से बैठना चाहिए। अब बैठाने के बाद इस पर कोई भारी वजन भी रखना पड़ेगा, ताकि कांच इधर उधर ना हो, और आसानी से ये क्या कर ले, इसको पकड़ ले। तो देखिए इस तरह से इसको रखा जाता है, और इसके रखने के बाद इस तरह से इसके ऊपर ना कुछ हमें वजन रखना पड़ेगा। अगर वजन की चीज रखेंगे तभी ये क्या होगा, दबेगा, जब दबेगा तो चिपकेगा, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं अच्छे तरीके से। तो इस तरह से इसको दबा के रखना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई भारी चीज रख देंगे और कुछ इसमें नहीं करना होता है, इसके ऊपर कुछ भारी चीज रखेंगे ताकि ये क्या करे, चिपक जाए। ये तुरंत चिपकता नहीं है, समय लेता है, तो अब इस पर कुछ ना कुछ हम वजन रखते हैं, ठीक है। तो ताकि ये आसानी से चिपक जाए। तो देखिए अभी हमने इसको टेप मार के रोक रहे हैं, ताकि ये आसानी से बिल्कुल रुके और टाइट पकड़ा रहे। तो इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे, इसके बाद से फिर इसके ऊपर हम कोई ना कोई वजन चीज रखेंगे। अभी ये इधर उधर होगा जब तक ये अच्छी तरीके से नहीं चिपकेगा। तो
चिपकने के लिए सबसे पहले देखिए आप इसको टेप पूरा जगह जगह से टेप मारते हैं ताकि ये क्या हो जाए आसानी से ये पकड़ ले। तो इस प्रकार से हमने इसको घुमाया और तेजी के साथ पकड़ लिया। पूरे के पूरे को अच्छे तरीके से टेप मार के आप रख लेंगे जैसे ताकि ये भागे ना और आपको दिक्कत ना हो। जितना हो सके उतना टेप को टाइट रखेंगे बस दबाव के लिए, उसके बाद से इसके ऊपर कोई ना कोई वजन चीज रख दिया जाएगा ताकि ये आसानी से चिपक जाए। कांच हमारा इस तरह से खराब नहीं होगा, हल्का सा टेप लगने से कोई दिक्कत इसको नहीं आती है। और इस प्रकार से हमने इसको काट लिया, जगह जगह से मार देते हैं ताकि ये छोड़े ना। बस इसके लिए इसको मारा जा रहा है ताकि ये छोड़े नहीं, इधर उधर भगेगा नहीं तो कांच बैठा रहेगा और एक बार चिपक जाएगा तो अपनी जगह पे चिपका रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसके ऊपर खूब वजन रख दिया ताकि कांच हमारा आसानी से बैठा रहे। अगर वजन रहेगा तो ऊपर से दबेगा तो कांच हिलेगा डुलेगा नहीं। और जो हमने लासा लगाया था ना, यानी कि जो हमने चिपकाने के लिए लगाया था एरोलाइट, वो आसानी से क्या करेगी इसको पकड़ लेगी। जब एरोलाइट एक बार सूखेगी, जब पकड़ लेगी तो ये कांच हिलेगा डुलेगा नहीं और अपनी जगह से बिल्कुल फिट रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद से इसको हम चालू करके आपको बाद में दिखा पाएंगे क्यों, क्योंकि जब ये चिपक जाए तो उसके बाद से आपको चालू करके पूरा सिस्टम उसका दिखाएंगे और अभी भी लाइट भी नहीं है इसकी वजह से चालू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार की वीडियो देखनी है, चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।